ये जो हम लोग राम कथा गाते हैं ना, ये प्रैक्टिकल है, शुद्ध सिद्धांत इहे उर्गारी, भजी राम सब काज विसारी। इस पावन प्रसंग के सानिध्य में हम आप श्रद्धे मनुजी महाराज, माँ सतरूपा को भगवान के सन्मुख उपस्थित कराए थे। सरकार प्रार्थना पर ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहि, भगत हे तो लीलातन गहि, है ना, गहि। तो अब कथा थोड़ा पीछे ले चलते हैं। थोड़ा पीछे आपको स्मरण होगा, यह कथा माँ भगवती के पूछने पर कारणों के आश्रय में भूतभावन भगवान शिव माँ शिवा को सुना रहे हैं। और इसके गर्भ में प्रवेश कर जाइए तो नाना विधि भाव प्रस्फुटित होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। कल बच्चों के साथ रात को बैठे थे तो अनेक भाव आए थे, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कथा की आवश्यकता ही क्यों है, बहुत काम है। क्यों कथा सुनानी चाहिए और क्यों कथा सुननी ही चाहिए, इसका भी एक कारण है। अकारण यहाँ कुछ नहीं है। सुनानी क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान जन्म जन्मांतर के पुराकृत पुण्यों को जब संग्रहित करते हैं जीव के, तो ये मानव शरीर करुणा करके देते हैं। अब सबको वो काम सौंप रखे हैं, श्री गोपी गीत में प्रेम पथ की आचार्य गोपियाँ कहती है विलाप करते समय करुणा भाव में, हे श्री कृष्ण, ये जो आपके गुण गाने वाले कथावाचक लोग हैं ना, हम लोगों से अधिक आप उनमें प्रेम करते हो। क्यों? तभी तो हम लोगों को छोड़ के चले गए। लेकिन जहां जहां वो गाते हैं वहां वहां आप अवश्य रहते हो, तो आपका प्रेम उनमें अधिक है। और आप ये निश्चयात्मक भाव में मान लीजिए कि कथा गाई नहीं जा सकती है, कथा जिससे भगवान गवा लेते हैं वही गा पाता है, सब नहीं गा सकते। हमारी प्रश्न श्रृंखला के मुखिया हैं तारकेश्वर बाबू, तारकेश्वर मिश्रा जी, हर प्रश्नोत्तरी में इनके पास 10, 20, 25 बच्चे बिटिया लोग कथावाचक बनना है। काहे बनना है? कथा करनी है। आप आश्चर्य करेंगे, इसको अभिमान न मानिएगा, यथार्थ है।
अपने राम जी किसी से कभी ये नहीं पूछे कि हमको कथावाचक बनना है क्या करें। हम तो कहने लगे, असरफी भवन से प्रारंभ भए, सदगुरु सदन गोला घाट गए और श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिला, फिर सियाराम किला कुछ दिन रहे और फिर प्रारंभ भए तो विश्राम नहीं लिया। महीने में दो कथा करनी है, चाहे को सुने चाहे को न सुने। श्री हनुमान जी सुनते हैं, भोले बाबा सुनते हैं, श्री ठाकुर जी महाराज तो बाद में कृपा किए। यदि लगन लग गई, लग गई, देखो लगने की भी तीन इकाई है, तीन पथ है। जगत में लग गई तो जगत का भजन चलेगा, व्यापार में लग गई तो व्यापार का भजन चलेगा और परमात्मा में लग गई तो परमात्मा का भजन चलेगा। किधर लगेगी ये आपके कर्म जाने।